उत्तराखंड में बीजेपी का मंथन हुआ। देहरादून में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वाले समय के लिए रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही पूर्व में हुए चुनाव और कार्यक्रमों और कार्यों की समीक्षा भी की गई। प्रदेश कार्य समिति में सबसे पहले पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने कैसे देश पीछे धकेलने का काम किया, उस पर भी कार्यकर्ताओं को रूबरू कराते हुए प्रस्ताव कार्य समिति में पारित किया गया कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। हमने दो प्रस्ताव इसमें पास किए हैं। पहला प्रस्ताव है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय बने जिस समय के अंदर देश आजाद हुआ था, अनुकूलता थी, कोई विरोधी दल ज्यादा नहीं थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब देश के प्रधानमंत्री उन्हें तीसरी बार बने, उन्होंने विश्व में भी इतिहास रचा है और देश में भी इतिहास रचा है। अगर उनकी कार्यशैली को देखें, उनकी योजनाओं को देखें, जो चुनौतियां उन्होंने ली हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने 100% अपने आप को समर्पित किया। विपक्ष कि आप तो बहुमत लेके नहीं आ रहे, तो इस प्रकार का एक मृजमरीचिका ये अपने सामने सामने रखे हुए हैं। मृजमरीचिका क्या होती है? जब कभी रेगिस्तान में किसी हिरण को दौड़ते हुए वो देखता है तो दूर रेत के अंदर भी उसको चमक दिखाई देती है धूप के कारण से, और उस चमक के कारण से उसको लगता है कि ये पानी है। प्यास लगी होती दौड़ तक वहां जाता है और जाके देखता पानी नहीं तो वहां भी रेत ही है। तो इनको मृजमरीचिका के इतनी थोड़ी सीटें आने के बाद खुश क्या हो रहे हैं, जैसे कोई बालक अगर आके अपने मित्रों को कहे कि मेरे अंक 99 आ गए, सब लोग वो भी खुश होते हैं, बालक बाकी भी तालियां बजाते हैं, 99 अंक, वाह बहुत बढ़िया 99 अंक आ गए। एक कोई आदमी सब सज्जन का पास में खड़ा था, उनका बेटे 99 कितने में से आए हैं, उसने बताया 543 में से 99 आए। तब पिक्चर सामने आती, तो ये 99 के हेर फेर में ऐसे आए हैं कि खुश हो रहे हैं। हाँ, एक बात की खुशी जरूर इनको मनानी चाहिए, वो मैं सहमत हूं। वो खुशी क्या है कि 2014 में इनकी मात्र कांग्रेस की 44 सीटें थी और 2019 में इनकी सीटें आई थी कितनी, 52।